गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, आर ऑडिबल? गुड मॉर्निंग सर। सो बेसिकली बच्चों, मैंने बहुत सारा टॉपिक बताया आप लोगों को, है ना? बताया ना, हिस्ट्री डिस्कस कर लिया, ग्रेजुएशन डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, देन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे हम लोगों ने देख लिया, फिर हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर देखा, आर्किटेक्चर को देखा, है ना, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर को देखा हम लोगों ने, ब्लॉक डायग्राम देखा था, कंपोनेंट्स में इनपुट डिवाइस। यस, आई एम ऑडिबल नाउ? यस सर। ओके, चलिए, देयर आर सम नेटवर्क इशू। चलिए, तो हम लोगों ने बहुत सारा टॉपिक डिस्कस किया था या नहीं किया था? हम लोगों ने नंबर सिस्टम भी डिस्कस किया, जितने भी टाइप्स ऑफ मेमोरी है सारा डिस्कस किया हम लोगों ने, किया या नहीं किया? बट आप लोगों ने कितना याद रखा ये डिपेंड करता है ना। इसके बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूं आपका सॉफ्टवेयर पार्ट, बट उससे पहले कुछ चीजें आपको समझना होगा कि अभी तक जो हमने क्लासिफिकेशन देखे थे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को देखे थे, तो बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं या नहीं होते हैं, जिसको हम फिजिकली देखते हैं। तो उस हिसाब से मैं बात करूं, कुछ कंपोनेंट सिस्टम में ऐसे भी होते हैं जो फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, यदि डाउट हुआ तो। दूसरी बात, कुछ ऐसे भी कंपोनेंट्स होते हैं जिससे हम केवल उसके रिजल्ट को देख सकते हैं, उसको हम फील कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट टच इवेंट, वी कैन नॉट सी इवेंट, है ना, तो हम उसको देख सकते हैं और हम ना उसको, ऐसे भी कंपोनेंट्स होते हैं। तो उसके बेस पे सिस्टम को भी हम फर्दर क्या करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, यू कैन राइट, दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। नोट डाउन करेंगे पार्ट्स ऑफ, और प्लीज साइलेंस, बेसिकली मैंने क्या बोला, ठीक है ना, किस बेसिस पे मैंने बताया आपको कि जैसे मैंने बताया कंप्यूटर्स के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ कंपोनेंट जो फिजिकली प्रेजेंट होते हैं उसको देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, यस सर, कुछ कंपोनेंट ऐसे भी होते हैं जिसको हम केवल फील कर सकते हैं, जैसे गॉड, गॉड को देख सकते हो क्या, भूत सुने हो, देख सकते हो क्या, फील करते हो ना, ऐसा Something is here, है ना? वैसे ही actually we are from science, so ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, but example के लिए हमें जो लेना पड़ा है कि अब देखो, वैसे ही कुछ चीजें हैं जो physically exist नहीं करती है, but फिर भी वो है। क्या आपको एयर दिखता है क्या? But है ना? उसको feel करते हो ना? क्या नहीं करते हो? तो बहुत ताकत होता है, है ना? तो basically वैसे ही बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, तो उसी हिसाब से मैं बात करता हूं कंप्यूटर्स को, तो लिखोगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कितने पार्ट में करते हैं बच्चों, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड हार्डवेयर, सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, क्लियर है? फर्स्ट पार्ट को हम क्या कहते हैं बच्चों, और सेकेंड पार्ट को हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर, क्लियर है सबको? चलिए, अब बच्चों बात आती है कि जस्ट वन मिनट, हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो बेसिकली कंफ्यूज मत होना कभी, जब भी आपसे कंपोनेंट्स पूछे जाते हैं तो आप क्या बोलोगे, जो मैंने चार्ट बताया है वही होंगे, बट मैं यहाँ पे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, क्या बात कर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज कॉल्ड हार्डवेयर, सेकंड वन इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली अभी तक हमने जितनी भी चीजें डिस्कशन की थी, जितनी भी चीजें के बारे में बताया आपको, चाहे वो प्रोसेसिंग डिवाइस हो, चाहे वो इनपुट डिवाइस हो, चाहे वो आउटपुट डिवाइस हो, चाहे वो स्टोरेज डिवाइस हो, ये सारे कौन से कंप्यूटर्स के अंदर आते हैं, तो बेसिकली जो कि अभी तक हमने डिस्कस किए, जितने भी पार्ट्स डिस्कस किए वो सारे हार्डवेयर के ही पार्ट्स, क्या है, सारे के सारे हार्डवेयर,
चाहे इनपुट डिवाइस हो, आउटपुट डिवाइस हो, या पेरिफेरल डिवाइसेस जो अलग से भी कनेक्ट करते हैं, वो सारे क्या है आपके। और कुछ ऐसे भी पार्ट्स हैं जो हम फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता है बट वो काम करता है इंटरनल सिस्टम के। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, क्या उसको आप देखे हो? वो एक्सिक्यूट होता है, वो क्या है लॉजिकल पार्ट होता है, वो क्या सॉफ्टवेयर क्या होता है आपका लॉजिकल पार्ट, ठीक है, कोई प्रोग्राम लॉजिकल पार्ट। तो चलिए लिखिएगा हार्डवेयर के बारे में, देखोगे हार्डवेयर के बारे में, देखो हार्डवेयर क्या होगा, हार्डवेयर आर द फिजिकल कंपोनेंट्स Hardwares are the physical components that can be seen or touched. Basically पॉइंट वाइज लिखोगे, पॉइंट वाइज फर्स्ट पॉइंट लिखा आपने, सेकंड पॉइंट लिखोगे, पॉइंट वाइज लिखोगे अच्छा लगेगा। बेसिकली इट इंक्लूड्स ऑल द कंपोनेंट्स That is input devices, processing devices, output devices, and storage devices, ये सारे क्या है एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। एंड क्या लिखोगे, पेरिफेरल मतलब जो अलग से भी कुछ डिवाइस हम लोग कनेक्ट करते हैं, जैसे प्रिंटर कनेक्ट करते हैं ना, करते हैं, माउस कनेक्ट करते हैं, तो कुछ ऐसे भी कंपोनेंट्स होते हैं जो फिजिकली, समझ में आया बच्चों, तो ऐसे भी कुछ डिवाइस है जो उसके अलावा भी होता है जो अलग से हम कनेक्ट करते हैं, जैसे नेटवर्किंग डिवाइस हो गया है ना, वाईफाई के लिए डिवाइस हो गया है ना। तो बेसिकली ये सारे क्या है आपके, कोई दिक्कत, हार्डवेयर समझ में आ गया, क्या इसके बारे में फर्दर डिस्कशन चाहिए? अब हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में देखते हैं बच्चों, सॉफ्टवेयर क्या होता है। पहले हम सॉफ्टवेयर से पहले कुछ चीजों को देखते हैं, पहले कुछ समझेंगे सॉफ्टवेयर से पहले क्या क्या होता है। जैसे सॉफ्टवेयर में क्या होते हैं बच्चों बताओ, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स चाहिए, बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलकर क्या बनते हैं, सॉफ्टवेयर बनते हैं। जैसे सिंपल सा मैं बात करता हूँ, कैलकुलेटर एक वो भी सॉफ्टवेयर है, इसमें सॉफ्टवेयर आते हैं, अच्छे इंस्टॉल करते हो सिस्टम में, या वॉइस कॉल भी आपके मोबाइल में भी रहता है, उसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, आप एडिशन कर सकते हो, सबट्रैक्शन कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, डिवीजन कर सकते हो, और लॉग, बहुत सारे फंक्शंस आप परफॉर्म कर सकते हो। सबके अलग अलग प्रोग्राम्स होंगे, क्या एक ही प्रोग्राम सारा काम हो गया होगा, नहीं, सबके लिए प्रोग्राम लिखा गया होगा, एंड देन उसको कंबाइन करके हम क्या देखते हैं एज अ सॉफ्टवेयर। Now come to the program. Program क्या होता है? तो programs के अंदर भी क्या होते हैं? बहुत सारे instructions होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे instructions होते हैं। उस instructions को मिला के set of related instructions मिलके क्या बनाते हैं? Program बनाते हैं। अब जैसे हमें program नहीं लिखना है, addition का लिखना है। तो addition के लिए जो चीजें functions हैं, जो चीजें जोड़ी, वही part होगा उसके अंदर होगा। बाकी part तो नहीं होगा। तो बेसिकली जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो जो इंस्ट्रक्शंस उसमें होंगे वो लॉजिकली रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस होंगे। क्या होंगे? लॉजिकली रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस होंगे। लॉजिकली मतलब जिसका कोई मायने रखता होगा, ये नहीं कुछ ऐसी चीजें नहीं डाल देंगे जिसकी जरूरत ही नहीं है वहां, तो लॉजिकली होगा क्या? नहीं। तो लॉजिकली रिलेटेड इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं? चलो प्रोग्राम से भी पहले अब बात आते हैं, इंस्ट्रक्शन क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है बताओ,
सेट ऑफ रूल्स. अभी देखो एक्चुअली स्ट्रक्चर्स बोलेंगे इन्फॉर्मेशन भी बोलेंगे तो एक ही चीज है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस बताओ. फिर बात आती है इन्फॉर्मेशन क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा क्या होता है. तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेटा से. हम क्या समझते हैं सबसे पहले डेटा से स्टार्ट करते हैं. मैंने पहले भी डिस्कस किया था पर मैं फिर से डिस्कस कर देता हूँ डेटा. तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे, डेटा से. चलिए लिखिएगा डेटा के बारे में. देखोगे डेटा के बारे में व्हाट इज डेटा. चलो मुझे ये बताओ व्हाट इज डेटा. एनीवन जस्ट लाइक नाउ दिस डे वी कैन से ऑयल जानते हो, पेट्रोल डीजल ये सारे जो चीजें होती है कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट रखता है ना. वैसे ही डेटा आजकल इंपॉर्टेंट रखता है. जिस तरह से किसी व्हीकल्स को चलाने के लिए क्या चाहिए, ऑयल चाहिए, हमें रिसोर्सेज चाहिए, डीजल पेट्रोल ये सब चाहिए, वैसे ही आजकल जो है ना डेटा इंपॉर्टेंट है. यदि आपका डेटा मिस हो गया, लीक हो गया, यू आर इन ट्रबल. यस सर. यदि आपने पासवर्ड, पासवर्ड इज ऑल्सो डेटा. यदि आपका एक फोटो आधार कार्ड मिस हो गया, दैट इज ऑल्सो डेटा फॉर यू. यस सर. एंड दैट मिस, मानो साइन क्यों मिस हो गया, कोई भी आपके नाम पे सिम निकाल सकता है. यस सर. इट इज अ डेटा. तो बेसिकली डेटा है क्या, वो इम्पोर्टेंट हमारे लिए. तो आखिर होता क्या है डेटा, होता क्या सोर्स ऑफ कलेक्शन. नो. चलो देखो फैक्ट्स, उससे भी पहले आते हैं फैक्ट. जैसे आपके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा कि आपका नाम है, या आपका रोल नंबर है, या आपका हाइट है, या आपका एज है, या आपका वेट है. दिस आर फैक्ट्स अबाउट यू. यस सर. सो दैट फैक्ट्स कलेक्टिवली नोन एज डेटा अबाउट एन ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो लिखोगे collection of facts. Online students, are you writing? Yes, sir. So collection of facts about an object. Collection of facts about an object. Is called data. कोई दिक्कत. जैसे देख सिंपल सी बात है. अभी देखो आपके बारे में मुझे डेटा चाहिए, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में मुझे मान लो इसके बारे में डेटा चाहिए. क्या क्या, तो मान लो मैंने इसका नाम पूछ लिया, स्टोर किया. मैंने इसका एज पूछा, स्टोर किया. डेट ऑफ बर्थ पूछा, स्टोर किया. एड्रेस पूछा, मैंने स्टोर किया. पिता फादर से मैंने स्टोर किया. सारे क्या फैक्ट है इसके बारे में. मैंने इसका नाम पूछा, वो एक फैक्ट हुआ. रोल नंबर पूछा, वो एक फैक्ट हुआ, है ना. मैंने इसका मोबाइल नंबर पूछा, वो एक फैक्ट हुआ. और जब तुमने इसे कलेक्ट कर दिया, नाउ वी हैव अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ इट. यस सर. कंप्लीट इंफॉर्मेशन है ना हमारे पास, कंप्लीट डेटा है ना इसके पास, इसका हमारे पास. तो दैट बिकम्स अ डेटा, दैट बिकम्स मीनिंगफुल डेटा. क्या कराता हूँ. अब किसी ने बोल दिया कि नाम, माय नेम इज डॉन, है ना. व्हाट इज डॉन, नथिंग. काम क्या करते हो ये तो बताओ, कहाँ रहते हो ये तो बताओ, है ना. किसी को आपको फ्रेंड को ढूंढना होगा. उसने बोल दिया तुम ये पटना में जो है ना, कंकड़बाग में मेरा घर है. आपको नाम पता है केवल, नाम क्या है, सोहन मान लो. अब सोहन या मोहन नाम है मान लो. आप कंकड़बाग में गए, ढूंढ रहे हैं सोहन नाम से, मोहन नाम से ढूंढ रहे हैं. क्या मिल पाएगा कभी. मिल सकता है, नॉट श्योर दैट यू विल find in 1 hour or 2 hour or 10 hour or 2 days or 3 days or 4 days. Even एक ही करके आपको ढूंढना पड़ेगा. क्या efficient होगा आपके लिए. अगर चलो ऐसा दोस्त जो है ना, जाओ तुम, मैं घर जा रहा हूँ, ऐसा एड्रेस दियो हो, पता भी नहीं चलता. और इसीलिए बच्चे एक चीज और याद रखो, मैं आप लोगों को एज ए सजेस्ट करता हूँ, कहीं भी कभी भी जाओ, किसी कोई बुलाया आपको. क्योंकि देखो अभी मैं डेटा की बात कर रहा हूँ ना, इसीलिए मैं इसका बात बता रहा हूँ आपको, जो रियल लाइफ में आपको यूज करना. कभी भी कोई आपको बुलाए कि पटना आ जाओ या मेरे घर पे आ जाओ, मेरे रूम पे आ जाओ, ठीक है, आप निकल देते हो सीधा, टाई बेल्ट लगाते हो और ऐसे निकल जाते हो, है ना. निकल गए, पहुंच गए घर के पास, बोला इस चौक पे आ जाना, मुझे कॉल करना. उसके बाद वैसे आदमी के पास कभी मत जाना चाहिए. जो बोल दे कि वहां पे आके मुझे कॉल करना, वैसे आदमी के पास कभी मत जाना चाहिए. तुम मान लो घर से आए, उसके पास चले गए,
और तुम कॉल किए फोन ही नहीं लगा उसका, या किसी रीजन से किसी रीजन उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो, क्या तुम वापस लौटोगे या फिर वेट करते रहोगे रात भर? मेरी तो कभी भी ऐसा मैंने देखा हूं, मैं अपने साथ ही बहुत लोगों को ऐसे लोगों को मैं देखता हूं, मैंने देखा है कि वो ऐसे ही करते हैं, पर मैं जिनके साथ जाता हूं मैं बोलता हूं कि नहीं पहले आप कुछ लोग उसका एड्रेस करना, हो सकता है फोन ना लगे, हो सकता है फोन ना लगे तो फिर लौटना पड़ेगा ना, तो मैं पहले ही बोलता हूँ कि नहीं आप पहले उसका नंबर तो ले लो, अच्छी बात है नंबर से फोन कर लेंगे, लेकिन पहले पूछ लो कि आपके उसके आसपास कहाँ रहता है, क्या सही है ना? तो इसीलिए तो मैंने क्या बोला, आपके पास कंप्लीट डेटा रहेगा तो फिर कोई बात नहीं, फोन नहीं मिलेंगे तो मैं पहुंच जाऊंगा उसके घर पे, है ना? तो बेसिकली इसलिए इंपॉर्टेंट है डेटा, इसीलिए इंपॉर्टेंट हुआ या नहीं हुआ, मान लो फोन नहीं लगा, आपके पास एड्रेस तो था ना, आप गए, उसका नाम पता है, उसके फादर्स का नाम पता है, उसे कॉल नहीं पता है, उसका एड्रेस पता है, उसका मोबाइल नंबर तो मान लो लगा नहीं, कोई बात इतना सारा डिटेल है ना, तो कोई भी एक मिसिंग है चलो कोई बात नहीं हम पता कर लेंगे, चलो उसका नाम कोई नहीं जानता, उसके पापा का नाम तो जानता हो, उसका नहीं पता कर लेंगे, तब फिर कुछ बच्चे बोलते अच्छा अच्छा क्या काम है, उनका लड़का समय काम था, अच्छा क्या नाम बताया, तो मान लो वो दो भाई है, अब बोले नहीं छोटा वाला जो है, अच्छा ये हमारे साथ पढ़ता है इसको, अच्छा छोटा वाला जो लड़का जो इसका ये नाम है उसने बता देगा आपको, ऐसा होता है। तो बेसिकली डेटा कितना इंपॉर्टेंट है आपके है, तो ये सब रियल वर्ल्ड में बात कर रहा हूँ मैं, सारी चीजें रियल वर्ल्ड का बताता हूँ एग्जाम्पल, कुछ ऐसा नहीं जो हवा हवाई बात करता हूँ, सारा चीज रियल वर्ल्ड का मैं बताता हूँ, क्योंकि आप रियल वर्ल्ड में सर्वाइव कर रहे हो, ना कि आप लॉजिकल ये मैट्रिक्स सीरीज जो आपने मूवी देखा होगा उसकी बात मैं नहीं करता हूँ, ठीक है? समझ में आया बच्चों डेटा के बारे में? तो अब नेक्स्ट चीज क्या है बताइए, डेटा समझ में आया? अब डेटा दो तरह के हो सकते हैं, मीनिंगफुल, तो जो मैंने बोला ना रॉ फैक्ट्स आपके पास है लेकिन वो मीनिंगफुल नहीं है जब तक वो कलेक्टिवली आपके पास नहीं, अब नाम पता है आपके पापा का नाम नहीं पता है, आपका एड्रेस ही नहीं पता है, जैसे मैंने बोला ना आप गए राहुल को ढूंढे हुए गए, बोला वहां पे फोन करेंगे आ जाना वहां पे, और वहां पे फिर चले गए फोन करना, मतलब आपके पास आधा आधा इंफॉर्मेशन है ना, आधा फैक्ट है ना उसके पास, नाम पता है, अब मोबाइल नंबर लगे नहीं तो क्या करोगे, लौट के आओगे, क्या आपके लिए मीनिंगफुल हुआ? इसीलिए कंप्लीट डेटा इज कॉल्ड मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, या प्रोसेस तो लिखोगे, देन कम्स इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या हुआ कि अब जब आपने सारे डेटा को कलेक्ट कर दिया, मीनिंगफुल डेटा को कलेक्ट किया, दैट इज कॉल्ड लिखोगे द मीनिंगफुल डेटा, और द प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, द मीनिंगफुल डेटा और द प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है? द मीनिंगफुल डेटा और द प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, समझ भाई बात? अब जैसे मैंने इससे सारा डेटा कलेक्ट कर लिया, इसके बाद सारा रिकॉर्ड्स बना लिया, अब उसको मैं प्रोसेस एक जगह मैंने स्टोर कर लिया, ये नाम है, ये रोल नंबर है, ये एज है, ये दिस है, ये डेट है, ये एड्रेस है, ये उसका हाइट है, ये ठीक है, तो नाउ इट इज मीनिंगफुल और नॉट। सब सपोज ने मुझे बुलाया और फोन स्विच ऑफ कर लिया, कोई बात नहीं, हम तो छोड़ेंगे नहीं तुमको, हम तो पहुंच ही जाएंगे, हमारे पास इंफॉर्मेशन है, उसके बाद क्या है हमारे पास इंफॉर्मेशन, डेटा हमने कलेक्ट किया था ना वो हमारे पास सब प्रोसेस किया और रखा हुआ है, तो कोई टेंशन मत लो, मैं पहुंच ही जाऊंगा, तो दैट इज मतलब उसको कहते हैं प्रोसेस डेटा, प्रोसेस डेटा या फिर कहते हैं मीनिंगफुल डेटा ही कहलाता है आपका इंफॉर्मेशन, समझ में आया? आप इंफॉर्मेशन मिल गया ना आपको, आपको बोल दे जैसे आपने महाभारत में सुना होगा, क्या नाम था हाथी का, क्या नाम था याद है? सुना है? अब बताओ मुझे, उसने कहने से द्रोणाचार्य को क्या लगा उनका? वही बात, क्या वो कंप्लीट डेटा था क्या? क्या वो मीनिंग वो कंप्लीट देना था या नहीं था? वो इनकम्प्लीट था, वो इंफॉर्मेशन था लेकिन वो करेक्ट इंफॉर्मेशन था, समझ में आया? तो इसीलिए हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, एक देखो एक इसी पे स्टोरी बताता हूँ कितना मीनिंगफुल का क्या मतलब। जैसे एक कोई राजा था,
उसके सर में बहुत सारे मतलब स्कॉलर मतलब विद्वान लोग रहते थे। तो एक बार वो कहता चलो देखते हैं कौन हमारे सर में मतलब हमारे यानी राज्य में कितने कौन सबसे ज्यादा विद्वान है। बुलाया और उसने लिखा था बुलाने से पहले उसने लिखा था कागज दिया था किनको नहीं उन्होंने बुलाया सब कुछ हो गया फिर कुछ ऐसे डिस्कशन हुए जिसपे कि वो गुस्सा हो गया या कुछ तरह का तो सब कुछ हो गया कि ये बहुत अच्छे विद्वान है लास्ट में उनको विदा करना था ठीक है किनको उस विद्वान को। तो राजा से बोला उन्होंने कि एक काम कीजिए मुझे यहाँ पे आने बहुत डिस्टर्ब हो गई थी मुझे हर लोग के चेक चाक कर रहे थे है ना अब तो मैं आप मुझे जानते हो मुझे कुछ ऐसा करो कि मुझे कोई चेक चाक ना करे मुझे सीधा जाने दो है ना। अब उसने लिख दिया राजा ने लिख दिया रोको मत जाने दो क्या लिख दिया रोको मत जाने दो। अब देखो क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि आप BCA के स्टूडेंट हो तो आपको कितना पता होगा देखो प्रॉमी करोगे ना प्रॉमी में क्या यूज करते हो कॉमा यूज करते हो सॉरी सेमीकोलन यूज करते हो ना कितना उसका देखो बहुत चीज का कितना मीनिंग होता है वो बताना चाह रहे तो लिख दिया रोको मत। अब देखो 7 दरबार थे या 3-4 थे मान लो ऐसा पहले दरबार पे पड़ता है उसको क्या हाँ उसने भी बोल दिया था कि ठीक है महा जैसे राजा भी होते ना कुछ राजा जो विद्वानों को बहुत इज्जत करते उसने बोला ठीक है महा यदि उसने रोक दिया ना तो फिर मैं आप जो बोलेंगे वो मैं आपका आभारी रहूंगा मैं आपका है ना इस तरह से फॉल्टी रहूंगा इस तरह से उसने बोला। तो ठीक है यदि ऐसा हुआ यदि उसने रोक दिया तो मैं अपना आधा राज जो है आपको आपके नाम पे निकला। पहले दरबार ने पढ़ा रुको मत जाने दो दूसरे ने पढ़ा रुको मत जाने दो तीसरे ने पढ़ा रुको मत जाने दो लास्ट दरबार ने दरबारी ने क्या पढ़ा पता है रुको मत जाने दो which means that के पास डेटा भी है इंफॉर्मेशन भी है लेकिन इंटरप्रिटेशन जो है वो कैसे हो रहा है डिफरेंट तरीके से हो रहा है क्योंकि सेमी कॉलर सॉरी कॉमा वहां पे मिसिंग है कॉमा क्या है वहां पे रुको इसने क्या पढ़ा रुको मत जाने दो है ना सो इट इज अ तो वैसे ही जब आप कुछ डेटा रखते हो तो मीनिंगफुल होना चाहिए नहीं तो आधा राज्य आपको गवाना पड़ेगा अलग बात है आप जो भी है अभी कुछ नहीं कमाया लेकिन हाँ पापा मैं सुन तो बेसिकली समझ में आया बच्चों तो ये आपका क्या था मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन का मतलब। चलो अब बात करते हैं हम लोग इंस्ट्रक्शन की भी बात करते इंस्ट्रक्शन क्या होता है चलो ये मुझे बताओ क्या हम केवल कंप्यूटर में 5 लिख दिया 5 और 6 दे दिया इनपुट क्या वो काम कर लेगा क्या हमें उसे इंस्ट्रक्ट करना होता है क्या करना होता है इंस्ट्रक्ट करना होता है इंस्ट्रक्शन भी देना होता है। अभी कुछ बच्चे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं जो कैमरा ऑफ किए हुए हैं प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूँ आपको कैमरा ऑन कर दीजिए अदरवाइज मैं सीधा आऊंगा और बाकी बच्चों को रिमूव कर दूंगा। कुछ बच्चे का हैबिट हो गया है इस तरह का है ना का हैबिट हो गया है। निशांत कुमार कौन है 42 रोल नंबर यस निशांत आपके लिए मैं स्पेशल बोलूंगा नो सर बोलने के बाद कौन नहीं क्यों अनुराधा चलिए वेरी गुड अमृत राज कौन है कोई इशू है आप लोगों को सर मेरा कैमरा ऑन है सर अभी ऑफ हो गया था कोई बात नहीं चलिए यस मिस्टर सर यस व्हाट इज इंस्ट्रक्शन यस Yes. और कोई बड़े इंस्ट्रक्शन
मतलब हमने इनपुट दिया, जैसे मुझे दो नंबर को ऐड करना है, तो मैंने उसको ए बोला, ए का वैल्यू दिया, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का वैल्यू भी दिया, बट क्या करना है उस पर, एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है या क्या पता ना होगा ना, एड इट सब्ट्रैक्ट इट, ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन देना होगा. तो बेसिकली यू कैन राइट नाउ, सिट डाउन, इंस्ट्रक्शन. Instruction is a command or the operation. Instruction is a command or the operation performed on the given set of data. Performed on given set of data. Clear hai? Maine kya bola? Instructions is a command or a operations performed on given set of data. जो भी data given है उसपे कौन सा operation perform करना है या उसपे क्या करना है, उसको हम क्या बोलते हैं? चलिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ. पहले स्पेस मैंने क्या बोला आपको, इंस्ट्रक्शन आर कमांड्स और ऑपरेशंस परफॉर्म ऑन द गिवन सेट ऑफ डेटा और इनपुट, कैसे डेटा और, ठीक है ना. तो उसी, अब जैसे प्रोग्राम हम लिखेंगे ना, जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो क्या होगा, तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होंगे, डेटा भी होगा उसमें. नाउ यू कैन राइट प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ, प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ or the set of collection or the set of logically related instructions or the information or information related. So basically maine kya bola, लॉजिकली रिलेटेड का मतलब क्या है, कि हम जिस चीज के लिए प्रॉब्लम बनाए वो जितने भी ऑपरेशन है, जितने भी स्ट्रक्चर है, उसी से रिलेटेड होना चाहिए, तभी वो लॉजिकली रिलेटेड होगा. अदरवाइज क्या होगा वो, अब ऐसा नहीं कि हम एडिशन भी बनाए वहां पर मल्टीप्लिकेशन का काम कर रहे हैं, तो वो चीजें लॉजिकली हमारे लिए कोई दिक्कत. एंड देन कम्स सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम समझ में आ रहे हैं, वैसे ही बहुत सारे प्रोग्राम को मिलाएंगे लॉजिकली तो क्या बनेगा वो, the set of related programs, the set of related programs, the set of related programs is called as software. Is called as clear? सेट ऑफ रिलेटेड प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर. सो सॉफ्टवेयर में कुछ और भी चीजें ऐड कर सकते हैं, नीचे नेक्स्ट फाइल है सॉफ्टवेयर के लिए. इट इज अ लॉजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, इट इज अ लॉजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर बिकॉज, इट इज अ लॉजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर बिकॉज इट कांट बी सीन और टच्ड. इसे हम ना तो देख सकते हैं और ना इसको टच कर सकते हैं. ये है yes, basically मैंने बोला it is a logical component of the system that cannot be seen and or touched, that cannot be seen or touched, उसको हम ना तो देख सकते हैं और ना touch, but yes, but touched. अगले अगले line में लिखोगे, next line change करके, but
but we can get results. Results performed by this software. ठीक है, वो विजिबल नहीं है, बट हम इस पे रिजल्ट कुछ गेन कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर पे आपका. समझ में आया बच्चों? यार एक बार और रिपीट कर दीजिएगा. मैंने बट लास्ट लाइन को ओके मैंने बोला बट वी कैन गेट रिजल्ट परफॉर्म बाय दिस सॉफ्टवेयर. क्लियर? ये बोला था. यस सॉफ्टवेयर this software by this software jo bhi software honge usse jo result milega usko. theek hai bachcho, ye to software ka part ho gaya. ye kya ho gaya aapka software ka. software ke bare mein aap kya bol sakte ho? pehla baat to aapne kya bola, ye set of related programs se kya hai wo set of. second part maine kya bola aapko, ये लॉजिकल कंपोनेंट्स होता है जिसको कि ना तो हम देख सकते हैं ना हम टच कर सकते हैं. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए. देन कम्स टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर. देन कम्स टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर. चलो उससे पहले भी मैं कुछ डिफरेंसेस नहीं बता देता हूँ. अभी टेस्ट देखो, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इस तरह का, डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. क्या लिख सकते हो? डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. क्या लिखोगे? यस बच्चों, यू कैन राइट नाउ डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट. क्या डिफरेंस? एक तरफ हार्डवेयर दो, दूसरी तरफ सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर में क्या लिखोगे? इट इज अ फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. उसमें क्या लिखोगे? इट इज अ लॉजिकल. सॉफ्टवेयर में क्या लिखोगे? लॉजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. क्लियर है? ठीक है. देखो, हार्डवेयर कैन बी सीन और टेस्ट. उसमें क्या लिखोगे? हार्डवेयर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट. हार्डवेयर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट. सेकंड वाला मैं पीस. क्या बोला मैंने? हार्डवेयर में लिखोगे इट कैन बी सीन और टेस्ट. It can be seen or touched. But second part क्या लिखोगे इसमें? Software में. It can't be seen or touched. Clear है? चलिए next. Third one लिखोगे आप. मैंने क्या बताया आपको? Hardware can't perform any task without software. बिना सॉफ्टवेयर के वो हार्डवेयर काम करेगा क्या? नो सर. सॉफ्टवेयर कैन बी ओके. मैंने पहली बात क्या बोला? ध्यान से. मैंने पहली बात बोला क्या? हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर. इसमें लिखोगे उसी तरह से सॉफ्टवेयर भी कोई भी काम परफॉर्म तभी करेगा जब हार्डवेयर का सपोर्ट होगा. तो लिखोगे सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एक्सिक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर. मतलब हार्डवेयर स्टार्टिंग से चलो हार्डवेयर में लिखोगे हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर में लिखोगे सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एक्सिक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर. कोई दिक्कत? विदाउट हार्डवेयर. मतलब सॉफ्टवेयर से भी काम लेना है आपको, कुछ एक्सक्यूट करना है तो उसके हार्डवेयर चाहिए. चलिए, हार्डवेयर इज मैन्युफैक्चर्ड
जब हार्डवेयर बनता तो क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चर्ड बाय लिखा होता है, मैन्युफैक्चर्ड है ना। सॉफ्टवेयर में क्या लिखा था, डेवलप्ड। इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक मोटर जो काम करता है उसके अंदर भी बहुत सारे क्या होते हैं, चीजें होती है, बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, वहां भी कहीं कहीं प्रोग्राम है, वहां भी कहीं कहीं सॉफ्टवेयर है। आजकल चलो वॉशिंग मशीन देखे हो, वॉशिंग मशीन देखे हो, उसमें भी सॉफ्टवेयर आजकल इंस्टॉल आता है, तो डिजिटल जो होता है बटन दबाते हो, बहुत सारे देखते हो, उसको फॉर्म वेयर कहते हैं। मैं बताऊंगा उसके बारे में, बताऊंगा। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अलावा भी होता है, फॉर्म वेयर भी होता है, ठीक है, बताऊंगा मैं। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, इट इज मैन्युफैक्चर्ड। सॉफ्टवेयर में क्या लिखोगे, इट इज डेवलप्ड एंड इंजीनियर्ड, या सिंपल लिखो इट इज डेवलप्ड, इट इज डेवलप्ड एंड इंजीनियर्ड। इंजीनियर मतलब इंजीनियरिंग, मतलब इंजीनियर में लिखोगे ना कि इंजीनियरिंग किया जाता है। हार्डवेयर, हार्डवेयर, हार्डवेयर कैन हैव इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। हार्डवेयर कैन हैव इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। सॉफ्टवेयर में लिखोगे, वेयर सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, वेयर सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स ए कंप्यूटर एग्जैक्टली व्हाट टू डू, दैट टेल्स कंप्यूटर एग्जैक्टली व्हाट टू डू। चलो फिर से बोल देता हूं मैं, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स अ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को क्या कहता है, एग्जैक्टली व्हाट टू डू, कि क्या करना है, वो इंस्ट्रक्ट करता है, क्या करता है, इंस्ट्रक्ट करता है। लिखोगे, लिखोगे, हार्डवेयर इंक्लूड्स, हार्डवेयर इंक्लूड्स इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस, है ना, ये सारे हार्डवेयर में आते हैं। अनिकेत, यस, एम आई करेक्ट, सही है, जस्ट राइट साइलेंटली, ओके। सो व्हाट आई टोल्ड यू दैट हार्डवेयर हैज इट इंक्लूड्स फॉलोइंग कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस, सब लिखा। लिखो, सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स programs, instructions, informations, data, hardware is not affected by computer virus, hardware is not affected by computer virus, software is affected by computer virus, wo effect hota hai na, yes, theek hai bachcho, to aise bahut sare aur bhi hain, aap likh sakte ho, hai na, कोई दिक्कत, बट जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको बता दिया, एग्जाम में आप चाहो तो और भी लिख सकते हैं, टैलेंट है अपना, बट ये कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो मैंने बताया, क्लियर है, इतना क्लियर है बच्चों, तो अटेंडेंस देख लेते हैं। अगले क्लास में बच्चों हम टाइप डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे, टाइप, क्लियर है, yes।